सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान जी यहाँ देवी संपद के बारे में बता रहे थे, भगवान जी के पास चलते हैं, कृष्ण भगवान के पास। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम् हि रचा। ये यहाँ तक ही पढ़ लेते हैं पहले। तो दया भूतेषु, भूतों के ऊपर दया, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपिशुनता और सब भूतों के ऊपर दया, और सब भूतों में एक भूत मैं भी हूं, अपने ऊपर भी दया। कल तो चार प्रकार की दया बताई थी ना, एक पांचवें प्रकार की भी दया है, खुद की खुद के ऊपर दया, स्वयं की स्वयं पर दया। तो इन पांचवें प्रकार की दया के विषय में आपका कोई प्रश्न हो या उससे पीछे का कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लीजिए। समझ में आ गया सब? ओम दीदी। हाँ जी। इससे थोड़ा अलग प्रश्न है। इससे अलग? इससे अलग क्यों पूछते हो? पूछो। जैसे हम भारतवासी जन्माष्टमी मनाते हैं और रामनवमी मनाते हैं, तो मेरा प्रश्न ऐसा था कि भगवान ने भारत में ही जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, अन्य देशों में क्यों नहीं होते हैं? यद्यपि होते हैं ना, दूसरा में सारी सृष्टि वो कहते हैं हमारे देश में होते हैं। ईसा मसीह जो हैं तो वो कहते हैं भगवान के पुत्र तो केवल यीशु हैं, बाकी तो सब उनके मैसेंजर वो ही हैं। अलग अलग देशों में जो अलग अलग महापुरुष पैदा होते हैं तो सब यही बोलते हैं, यही भगवान के अवतार हैं। आपका प्रश्न क्या है कि भारत में क्यों पैदा हुए? ये तो आपने मान लिया, महापुरुष तो सारे, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी एक भगवान का ही वो है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की दृष्टि में कोई भेद हो कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, तो उधर पैदा नहीं होना है, इधर हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ समय पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान सवार्यव्रत ही था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो पृथ्वी पे कहीं भी पैदा हो सकते हैं। और भगवान पैदा होते नहीं है, पहली बात ये है, महापुरुष पैदा होते हैं। और महापुरुष कोई जमीन का निर्णय करके पैदा नहीं होते, जैसा जिस आत्मा का जाति आयु भोग होता है वैसा वो वहां उसको वो मिल जाता है। तो जो जन्म हुआ वो तो पिछले कर्मों के अनुसार उसको जाति आयु भोग मिलते हैं, और स्थानों में भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर किसी आत्मा का दृढ़ संकल्प है और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है तो वो कहीं भी महान बन सकती है वो आत्मा। तो कई बार प्रतिकूल स्थानों में पैदा होके भी महान बनते देखे गए हैं, और कभी कभी अनुकूल में पैदा होके भी बनते देखे गए। दोनों ही उदाहरण हैं हमारे सामने। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर जैसे जो महापुरुष हैं, वो राजघरानों में पैदा हुए फिर भी उनको वैराग्य हो गया,
कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो अत्यंत गरीबी में पैदा हुए और ऐसे पिछड़े गांव में पैदा हुए, फिर भी वो महान बन गए। स्थान आदि का जो उपलब्धि है वो पिछले कर्माशय के अनुसार होती, जाति आयु भोग, लेकिन इस जन्म में हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। हम कहाँ पैदा हुए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पैदा होकर के हमने क्या किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के बारे में तो हम जानते हैं इसलिए हमें पता है, ऐसा नहीं है कि अन्यत्र कोई महापुरुष पैदा ही नहीं हुए, ऐसा नहीं है। अभी मैं तो पाश्चात्य दर्शन पढ़ रही थी तो बहुत सारे दार्शनिक पैदा हुए, लेकिन ये भूमि जो है ये ज्यादा अनुकूल है, इस तरह का इन्वायरमेंट है यहाँ युगों युगों से भारत में, तो इसलिए यहाँ उसकी संख्या ज्यादा है। तो ये मतलब एक सामान्य सा नियम है, जो जमीन ज्यादा उपजाऊ होगी, उर्वरा शक्ति वाली होगी तो वहाँ फसलें ज्यादा होती हैं, और जो बंजर होगी उसको भी उर्वरा बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत पुरुषार्थ करके वो श्रम साध्य है। तो यहाँ तो युगों युगों से ही अपने आप ही वो बना हुआ एनवायरनमेंट। जी ओम दीदी जी, ओम दीदी जी, ओम भाई। मेरा प्रश्न ये है कि पिछली बार जब आप दया के बारे में समझा रहे थे तो आपने एक उदाहरण दिया था, जैसे दधीची ऋषि जो थे तो उन्होंने अपना मतलब जैसे कहते हैं कि मांस और हड्डी इन सबको त्याग दिया था एक मतलब छोटे से कबूतर जो जीव है उनके लिए। शिवी है वो तो जी, दधीची ने तो इंद्र के लिए दी थी अपनी हड्डियां। अच्छा, तो फिर मैं यही कहना पूछ रहा था कि आज के समय में जैसे अगर हमें हमारे सामने धर्म है और धर्म के लिए माना अगर दूसरी तरफ मृत्यु है तो फिर वैसे तो हमें धर्म ही चुनना चाहिए, तो फिर अगर लेकिन हमने अपने आप को इतना साधा हुआ नहीं है कि हम मृत्यु को एक्सेप्ट कर सकें, तो फिर माना अगर हम अपनी अपने लिए धर्म को नहीं करते हैं ये सोच के कि हम मर जाएंगे तो फिर क्या हमको पाप लगेगा क्या? अब ये तो नहीं कह सकती हूँ मैं, भगवान के हाथ में है उसकी व्यवस्था, तो चयन करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन धर्म से जो फल मिलना था पुण्य का उससे तो वंचित रह ही जाएंगे। अब वो पाप होगा कि अधर्म होगा कि सामान्य कर्म होगा तो वो आपके उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है कि जी करके आप आगे क्या करना चाहते हैं। मान लो उस दिन आपने जी करके और कोई बहुत बड़ा काम किया तो वहां आपका बचना फिर अच्छा हो गया, आप मर जाते तो इतना बड़ा कार्य नहीं हो पाता मानवता का। तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और वो उसी समय पे व्यक्ति को देखना होता है कि इस समय मुझे किसको चुनना है, जीवन को या मृत्यु को। अगर उसके जीने से करोड़ों लोगों का भला हो रहा है और देश धर्म संस्कृति का कोई बहुत बड़ा कार्य उसके कारण होने वाला है तो फिर उसको जीने का ही प्रयास करना चाहिए, और यदि उसके मरने से करोड़ों लोगों का भला हो रहा है, करोड़ों लोगों को एक प्रेरणा मिल रही है, एक नया धर्म की प्रतिस्थापना हो रही है, तो फिर उसको मृत्यु को चुनना चाहिए, तो वो परिस्थिति देखी जाएगी। ठीक है जी। ओम दीदी प्रणाम। जैसे अहिंसा की बात हुई थी तो उसमें जैसे फूल का ही आपने बोला था कि कौन जैसे फूल तोड़ने के लिए पूछा था आपने कि कौन मतलब ये अहिंसा करेगा, मतलब फूल तोड़ के लाना मतलब अहिंसा करना, अहिंसा नहीं हिंसा, हिंसा करना, तो मतलब एक खाली फूल तोड़ने के लिए मैंने नहीं कहा, वो बहनों ने हाँ, बहनों ने कहा कि हम फूल तोड़ेंगे तो हिंसा होगी, हिंसा हो जाएगी। तब सोच लो कि एक छोटे छोटे से कार्य के लिए हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते, तो एक बार परम पूज्य स्वामी जी ने बोला था कि ऐसे तो अगर जो हम अगर जो सभी अहिंसक बन गए तो एक अहिंसा एक अलग चीज होती है और एक फिर ऐसे धीरे धीरे हम कायर हो जाएंगे, तो जहाँ पे जो परिस्थिति जो आती है तो वहां पे फिर हमें हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप वाला आप ही देख लेना। देखो प्रश्न ना ऐसे थोड़े थोड़े से प्रैक्टिकल होने चाहिए,
अब मतलब ये अब इसका क्या उत्तर दिया, हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ये मैंने कई बार चर्चा की है कि कुछ हिंसा ऐसी है जो अपरिहार्य है, अपरिहार्य मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता। तो जिसको टाला नहीं जा सकता उस अहिंसा का पालन नहीं कर सकते हैं। अब यदि किसान खेती ना करे तो सारा देश और सारे प्राणी क्या खाएं? कोई सोना तो नहीं खा सकते ना, किसी के पास सोना ही सोना है। कौन था वो, एक किंग था ना, उसके बाथरूम में वो नल की भी सोने की, बाल्टी भी सोने की, मग भी सोने का, उसकी है गद्दाफी ना ना अभी उसके, अरे अभी अभी गद्दाफी तो पहले था, अभी अभी जो नॉर्थ कोरिया का है ना, किंग जोंग, उसकी रोटी चावल और उसकी पत्नी के अलावा सब सोने का, दो चीजें सोने की नहीं बस। मतलब सोना खा नहीं सकता ना व्यक्ति, खाएगा चावल रोटी गेहूं बाजरा जवार ऐसा कुछ खाएगा, सब्जियां खाएगा। तो खेती तो करनी पड़ेगी ना, किसी के पास कितने भी करोड़ों रुपए हो तो नोट को खा तो नहीं सकता ना। तो खेती में भी हिंसा होती है, लेकिन वो कैसी हिंसा है? अपरिहार्य, जिसको टाला नहीं जा सकता। तो आप वहां जब आपके जीवन में वो सिचुएशन आए तब आप प्रश्न पूछ लेना कि जी ये हिंसा इसका क्या करें। जैसे आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जैसे उससे पहले की तो सारी हिंसाएं आपने हटा डाली हैं अपने जीवन से, आज के मौजूदा जीवन में जो हिंसाएं हो रही हैं पहले उनको पकड़ो। ये अपरिहार्य जी, ऐसे तो फिर हम कायर बन जाएंगे, डरपोक बन जाएंगे, फूल भी नहीं तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो स्थिति आए तब उसके बारे में चर्चा करना कि भाई इसको तो टाला नहीं जा सकता। व्यक्ति की समस्या क्या है कि वो सारी चीजों को दिमाग से सुलझाना चाहता है, मतलब करना ना पड़े मुझे कुछ भी, बातें बातें करता रहूं बस। तो 100 वर्षों की उम्र है तेरी, आधी खा गई रातें, कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, कुछ को खा गई बातें, अब भी चेत अरे अज्ञानी, क्यों करता है तू मनमानी, जितनी बची है वही बचा ले, वरना ये भी हाथ ना आने, जीवन एक वृक्ष है फानी, फानी मतलब अस्थाई। थोड़ी सी तो उम्र है, आधी उसमें सोने में चली जाती है, रातें खा गई आधी उम्र को, फिर उसमें से कुछ को बचपन खा गया। बचपन में थोड़े बच्चे को ऐसे पता होता है कि मैं अष्टांग योग का पालन करूं या क्या करूं, तो मतलब 10-15 साल उसमें बीत जाते हैं। कुछ को वृद्धावस्था खा जाती है, अत्यंत वृद्धावस्था हो गई जैसे, तो उस समय भी कोई अनुष्ठान नहीं होगा। फिर जो कितनी बची थी उसमें से आधी को बातें खा जाते हैं, बात करते रहते हैं, अनुष्ठान कब करेंगे? इसलिए पहले उन हिंसाओं को ढूंढो अपने जीवन में, कहाँ कहाँ हिंसाएं हो रही हैं और कौन कौन सी को मैं हटा सकता हूं। अन्न वाली को आप नहीं हटा सकते, अन्न तो पैदा करना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे जैन धर्म के अनुयायी हैं वो मुंह पे पट्टी बांध के रखते हैं कि जो हम श्वास लेते हैं ना उसके साथ भी कुछ जीव जाते हैं, तो उससे भी हिंसा होती है, तो हम इतनी भी हिंसा ना करें। और वो पैदल चलते हैं कि गाड़ी आदि में जाएंगे तो टायर से कितने सारे वो पिस जाएंगे, जीव जंतु पिस जाएंगे, लेकिन इतना तो टाल दिया। लेकिन पैदल चलने से पैर के नीचे भी तो आते ही हैं, और फिर जब खाना खाते हैं तो उस खाने के साथ भी तो जाते ही हैं। तो जितना अच्छी बात है वो कोशिश करते हैं जितना टाला जा सके उतना टालें, ये अच्छी बात है। तो हम अपने जीवन में जितना ज्यादा हिंसा को हटा सकते हैं पहले उन हिंसाओं को हटाएं, और उसके बाद जो अपरिहार्य हिंसा है उसके ऊपर फिर बाद में चर्चा करें हम। पहले हम ढूंढें तो सही कि कहाँ कहाँ हिंसा हो रही है, शरीर से कहाँ हो रही है, वाणी से कहाँ हो रही है, व्यवहार से कहाँ हो रही है। हमारे व्यवहारों से भी हिंसा होती है,
हमारे चलने से भी हिंसा होती है। कोई व्यक्ति कैसी चाल चलता है, आपने एक शब्द सुना है, जैसी चाल वैसा चलन, चाल चलन शब्द सुना है। व्यक्ति का कैसा आचरण है वो उसकी चाल से भी पता चलता है। योगी की चाल अलग होती है, भोगी की चाल अलग होती है, सामान्य व्यक्ति की चाल अलग होती है, घमंड में चूर व्यक्ति की चाल अलग होती है, विनम्रता में डूबे हुए व्यक्ति की चाल अलग होती है, ज्ञानी की चाल अलग होती है। तुझे कैसी होती है ये? सबकी चाल अलग होती है। तो वो चलवा के देखते हैं, कुछ कुछ ऐसे टेस्ट हैं, थोड़ा चल के दिखाओ 10-20 कदम, उससे पता लग जाता है चाल चलन। चलन मतलब आचरण, कैसी हमारी चाल है, कैसी हमारा बैठना है, कैसा हमारा बोलना है, कैसा हमारा देखना है। किसी किसी व्यक्ति की दृष्टि ही ऐसी होती है कि अगला व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति की दृष्टि ही ऐसी है कि अगला व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। एक योगी जब देखता है किसी को, तो जो उसके सामने बैठा है वो कैसा हो जाता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है। वो एक शब्द भी भले ना बोले, उसकी दृष्टि ही बहुत है बस। और एक व्यक्ति इतना क्रूर होता है और वो सामने बैठा हो तो छोटे बच्चे का तो पसीने छूट जाए बेचारे के, उसको देख के उसकी आंखों को, दृष्टि को ना, इतनी क्रूर दृष्टि होती है। तो हमारे से हिंसाएं कहां कहां होती हैं वो व्यक्ति को खुद ही पता चलता है। पहले हम उनको जो हमें लग रहा है, दूसरे कह रहे हैं वो तो बाद में देखेंगे, उस पर भी विचार करेंगे जो दूसरे कह रहे हैं। पहले हमें लग रहा है कि इसकी बजाय और अच्छा हो सकता है मेरे जीवन में, तो पहले तो वो करना चाहिए, जो मेरी लाइफ स्टाइल है इससे भी अच्छी मैं कर सकता हूँ, हो सकती है, गुंजाइश है उसमें और अच्छा करने की, तो फिर उसको और अच्छा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए पहले। तो जो अपरिहारी है उसको नहीं टाला जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो पहले अपने जो मोटी मोटी हैं उनकी लिस्ट बना लो, उनको हटाना है पहले अपने को। जी प्रणाम दीदी। जो कल बताए थे चार प्रकार की दया, और आज एक और जुड़ा, स्वयं के ऊपर दया। एक और दया हो सकता है इसमें, असुरों की दया, क्योंकि देव जो अनुकूल परिस्थिति होती है वो तो उनकी दया होती है, और प्रतिकूलता जब होती है तो कृपा होती है, और कृपा तभी होगी जब हम पे असुर दया करेंगे। तो करते तो नहीं है असुर, जैसे रावण ने सीता को ले गए तो प्रतिकूलता में उन्होंने कहा कि मेरा पूर्व जन्म का कर्माशय होगा, तो ये कृपा असुर की ही तो थी। किसने कहा? सीता माता। सीता माता, वो उसकी महानता है, ये उसकी कृपा थोड़ी है दुष्ट की। असुर की दया ही तो थी। कहाँ दया है, इसको दया कहोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। अगर वो उसको दया कहे तो असुर काहे के फिर, उसको दया की कोटि में नहीं ले सकते। प्रतिकूलता कैसे आएगी? प्रतिकूलता आती है, जरूरी थोड़ी है कि इस तरह के काम को ही हम प्रतिकूलता कहें। आप स्वस्थ रहते रहते भी कभी बीमार हो जाते हैं तो अच्छा है, फिर और ज्यादा स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे, थोड़ा सा झटका लगेगा तो उस रूप में। यूं थोड़े आतंकवादी आ जाएं तो ये आतंकवादियों की दया है हमारे ऊपर, उसको नहीं लेंगे, दया कोटि में नहीं लेंगे उसको। ये तो दैवी संपद है, असुरों के पास दैवी संपद होती नहीं, इसीलिए वो असुर होते हैं। आसुरी संपदा आएगी, उनकी संपदा अलग होती है। ये संपदा अगर किसी असुर के पास आ जाए दया करने वाली, तब तो वो असुर ही नहीं रहेगा फिर, तब तो वो देव ही बन जाएगा फिर। हो गया जी। ओम दीदी, कल दीदी चार प्रकार की दया बताई थी, उसमें से मनुष्य की दया और स्वयं की स्वयं पर दया, ये दो बातें स्पष्ट नहीं है। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि इन्होंने सुन तो लिया सबने कि स्वयं के स्वयं पे दया, लेकिन कोई भी नहीं पूछ रहा है कि स्वयं के स्वयं पे दया कैसे करें। मनुष्य वाली तो स्पष्ट ही है, मतलब समझ में नहीं। आप बताओ आप क्या समझे पहले, फिर उसके आगे मैं बताऊंगी।
स्वयं पे कैसे दया करे? नहीं, स्वयं नहीं, मनुष्य की दया। कल जो बताई थी तीन प्रकार की, उच्च कोटि की दया, मध्यम कोटि की दया, सामान्य कोटि। वो बातें स्पष्ट नहीं होती। अच्छा, आप में किसको समझ में आई है तीन प्रकार की दया? आप बताइए, आप बताओ। ओम, ये तो सात्विक दया है, मतलब जो ऋषियों का होता है। तब ना ना, ऋषियों के अलग, मनुष्यों की तीन बताइए। मतलब उच्च कोटि के मनुष्य जो है, मतलब दया किया और उसको भूल गया, उनने किसी के ऊपर उपकार किया और उसको भूल गया। सुनील जी, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये तो मनुष्य की, दूसरे मनुष्य पे दया है। तो ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं ना हमारे जीवन में, कोई बिना जान पहचान वाला व्यक्ति है और हमें लगता है कि बेचारा मुसीबत में है। किसी के यहाँ हॉस्पिटल में कोई बहुत स्वजन, कोई परिजन उसका बीमार है और उसको बेचारे को ब्लड नहीं मिल रहा है, कहीं भी ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं कर रहा है, और वो उसके परिवार का एक तरह से आधार है वो व्यक्ति। और फिर कोई नया व्यक्ति आप जैसा आता है कि भाई परेशान दिख रहे हो, क्या बात है, और फिर आप उसको ब्लड दे देते हैं। तो ये श्रेष्ठ कोटि की दया है। कोई जान पहचान नहीं थी, कोई स्वार्थ भी नहीं था, और वो देके भी आप चले गई, ना आपने उसका कोई एड्रेस लिया, ना उसका आगे कोई लेना देना, ना पीछे कोई लेना देना। तो ऐसी दया को श्रेष्ठ दया कहेंगे। दूसरा है राजसिक कोटि की मनुष्य की दया। दया किया और मतलब उसके मतलब भाव आ जाते हैं उसके अंदर। दया तो की, फिर अहंकार बढ़ा लिया, 10 लोगों के सामने जाके बताता है कि ऐसा कोई करता है आजकल, वो तो हम हैं जो हमने कर दिया, ऐसे मिलते कहाँ हैं लोग। तीसरी है तामसिक, सामान्य कोटि की दया। हाँ, तामसिक जी, आपने जो जिसको अपना मन है उन्हीं के ऊपर दया करता है, अपने संबंधियों पे करता है, अपने रिश्तेदारों पर, अपने घर परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर, दूसरे पे नहीं करता है। तो ये सामान्य कोटि मनुष्य वाली होगी, स्पष्ट। स्वयं के स्वयं पर दया, इससे क्या समझे आप? चार दया तो कल बताई, पांचवी दया है स्वयं के स्वयं पर दया, इससे आप क्या समझे? स्वयं के स्वयं पर दया से मतलब ये है कि जैसा हम विचार करते हैं और जैसे भाव रखते हैं ना, तो वो हमारा व्यक्तित्व बनाने में बहुत मदद करता है। तो जब कोई बुरा विचार आए तो उसको हटा के अच्छा विचार लाना, ये अपने ऊपर दया है। स्वयं के ऊपर दया है कि नेगेटिव विचार को हटा के पॉजिटिव विचार उठाना। क्योंकि बाकी की चार दया, भगवान की भी दया है, ऋषियों की भी दया है, माता पिता की भी दया है, साधकों की भी दया है, संतों की भी दया है, लेकिन मेरी मेरे ऊपर यदि दया नहीं है तो बाकी की चार दया वेस्ट हो जाती है, फिर वो हमारा कुछ भला नहीं कर सकती है यदि मेरी मेरे ऊपर दया नहीं है तो। इसलिए अपने आप को हमेशा क्या देना है? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव भाव। अगर आप बहुत परेशान हैं इस चीज से कि कोई भी आपको समझता नहीं है, आपके भावों को नहीं समझता है, कोई आपसे प्रीति नहीं करता है, ठीक से बातें नहीं करता है, तो फिर आप क्या सोचेंगे अपने मन में कि यहाँ तो सब बेकार लोग हैं। तो ये अपने ऊपर दया को रोकना है। आप ये सोचें कि ये कितने भले लोग हैं, तो कम से कम हो सकता है इनको मेरी कोई बात पसंद ना आती हो, पर कम से कम मेरी पिटाई तो नहीं करते हैं, सब मेरे प्रति बहुत अच्छा भाव रखते हैं और मैं सबके साथ किसी भी परिस्थिति में रह सकता हूँ। तो मतलब जब भी कोई नेगेटिव बात आए अपने दिमाग में या कोई नेगेटिव भाव आए अपने दिमाग में, तो उसको चेंज करना, तो फिर वो अपने ऊपर दया है। और अगर किसी क्षण आप गिर भी गए, स्लिप भी हो गई, तो फिर खड़े हो जाना अगले ही क्षण। गिरना तो मतलब स्वाभाविक तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक स्थिति तक
उसमें संभावनाएं हैं, व्यक्ति गिरेगा ही क्योंकि संस्कार है ना इतने पिछले पुराने, लेकिन गिर करके फिर उठना। कौन एक प्रार्थना गाते हैं ना, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर के संभलना। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, तो उसमें एक पंक्ति आती है ये, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर के संभलना। ये पथिक बात मन में बिठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। तो गुरु जी भी एक बात कहते हैं, बोले गिरे तो गेंद की तरह से गिरना चाहिए। गेंद क्या करती, गिरते ही मिट्टी का ढेला गिरा तो गिर ही गया, फिर नहीं उठने का। तो कभी कोई त्रुटि हो भी जाए तो तुरंत उसको ठीक कर ले। त्रुटि होना उसकी संभावना है, स्वाभाविक तो नहीं है वो। स्वाभाविक तो त्रुटि ना होना है, स्वाभाविक मतलब जो हमारा स्वभाव है। पर जब हम अपने स्वभाव से थोड़ा भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अनअवेयर होते हैं, तो हमारे से त्रुटि हो जाती है, हम त्रुटि कर देते हैं, तो उसको फिर ठीक कर लेना जितना जल्दी हो सके। चोट कहीं लगी जाती है संभल संभल के चलते हुए भी, तो चोट लगते ही फिर मरहम लगा के उसको ठीक करना। ऐसे नहीं कि फिर उसको बढ़ाते ही जाना कि अब चोट लग तो गई, अब तो इसको कैंसर तक लेके नासूर बनाना है, ऐसे नहीं करना। तो ये स्वयं की स्वयं पर कृपा है, हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना। हर चीज को, जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा ना कि सीता माता ने कहा कि ये तो मेरे किसी पिछले जन्म का कोई होगा ऐसा फल, तो ये उसकी महानता है कि इतनी प्रतिकूलता को भी वो कितने पॉजिटिव वे में ले रही हैं, और इसलिए वो उससे बाहर निकल गई फिर। और अगर उसी को लेकर के रोने बैठते तो वहीं पर ही आत्महत्या हो जाती या तो समुद्र में कूद जाती फिर। तो कोई भी परिस्थिति अपने जीवन में आए तो साधक की महानता या उसकी साधना की महानता यही है कि वो उसमें से भी कुछ ना कुछ बेहतर निकाल लाए, बदतर में से भी कुछ बेहतर निकालना, ये साधक की पहचान होती है। चीजें तो आएंगी, अच्छी भी आएंगी बुरी भी आएंगी, तो ये स्वयं की स्वयं पे कृपा है, दया है। समझ गए सुनील जी?